मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि दलित वर्ड जो है, अब गवर्नमेंट ने भी इसको बैन कर दिया, हम लोगों को इसको बोलना चाहिए। हम दलित रहे नहीं हैं, हम अपने आप को दलित मानते जाएं तो फिर ये हमारे ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ इसको हमें ख़त्म करना है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी रिसेंटली एक सर्कुलर हुआ है कि दलित वर्ड का जो शब्द का जो प्रयोग है वो बंद किया जाए, क्योंकि जो संवैधानिक भाषा है उसमें हम अनुसूचित जाति कहते हैं या शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, क्योंकि जो शेड्यूल्ड कास्ट का जो ओरिजिन है, इसकी जो जन्म हुआ था जब 1931 में जनगणना हुई है, तो हिंदू समाज जिसको हम कहते हैं वो पहले चार वर्णों में बटा हुआ था। उसमें चारों वर्णों में जो पांचवी कैटेगरी है जो उसमें किसी वर्ण में भी नहीं आती थी, इसको हम डिप्रेस्ड क्लास का दर्जा दिया गया था, क्योंकि वो चारों वर्ण जो थे उसमें जे कहीं भी इनकी गिनती नहीं होती थी। तो इनको बाद में शेड्यूल्ड कास्ट, एक शेड्यूल बना के सारी जातियां जो 1108 के आसपास हैं, सारी जातियों को एक शेड्यूल में डाला हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशन का 9th शेड्यूल है, तो वहां इनको जगह मिली हुई है। इस करके इसको शेड्यूल्ड कास्ट या अनुसूचित जाति के नाम पर ही पहचाना जाता है। तो दलित वाला वर्ड जो है इसको हम थोड़ा सा ये बड़ा अभी डेरोगेटरी जैसे हम कहते हैं कि वो भी लगने लग गया है कि हम दलित, अब सारा समाज जो है अच्छे अच्छी हम नौकरियों में बैठे हुए हैं और अच्छे दूसरों के बराबर ही बैठे हैं, तो इस करके उस वर्ड को थोड़ा सा हमें हटाना है। दशा जो है पिछले 70 साल जो आज़ादी के हमें मिले हैं, हम सब लोग जानते हैं कि हमारी दशा जो है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। हम लोगों ने जो थोड़ा सा गांव की लाइफ से आए तो सारे गांव की लाइफ से, लेकिन हम लोगों जो एक सेकंड जनरेशन हमारी जहां पैदा हुई है उससे पहले हम लोगों ने भी गांव की हालत देखी है, जिसको हम अनटचेबिलिटी कहते हैं वो भी देखी है, एक द्वेष की भावना वो भी हम लोगों ने वहां देखी है, अभी भी वो बहुत है, क्योंकि हम लोग पंजाब हरियाणा से थोड़ा ज़्यादा बिलोंग करते, इधर की थोड़ी हालत सुधरी है तो वो शायद हमें लगने लग गया है कि हम लोग बहुत ऊपर उठ गए हैं। लेकिन अभी भी दशा जो है, यदि आप तमिलनाडु में चले जाएं, बिहार में चले जाएं, या वेस्ट बंगाल में चले जाएं, अभी भी अनटचेबिलिटी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अब मंदिर जो अब साउथ इंडिया के मंदिरों में देखो, वहाँ भी अभी ये जो है ऐसी ही हालत है अभी तक भी। तो इतने सालों की आज़ादी जो है वो शायद हमारे लिए आज़ादी वो नहीं बन पाई जो बननी चाहिए थी। हमारी अभी भी पोजीशन वैसी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारे ऐसे कानून बनाने की कोशिश करी, एट्रोसिटी एक्ट बनाया, हम लोग काफ़ी लोग जानते होंगे जो SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, ये 1955 से बनना शुरू हुआ था, पहले दूसरे नाम के अंदर आया, लेकिन 89 में ये इस एक्ट ने पूरा रूप लिया। क्या 1989 के बाद अभी तक के एट्रोसिटी शेड्यूल कास्ट पे हट गई है? जो अभी जो डाटा इकट्ठा करती है गवर्नमेंट, उसके हिसाब से जो केस SC ST एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं उनकी संख्या अभी भी 40,000 से ऊपर है, और वो 40,000 तब है जबकि पूरे केस दर्ज ही नहीं होते। ये तो पढ़े लिखे समाज की बात है जिनका केस दर्ज हो जाता है। अभी एक बेटी हमारी जहाँ आई हुई है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उसने अपनी व्यथा मेरे को आते सुनाई है कि वहाँ झगड़ा हो गया कॉलेज में इनके, जहाँ पे ये पढ़ती है, जो BSc नर्सिंग का डिग्री कर रही है और डिग्री रिकग्नाइज नहीं है, दे आर इन द लास्ट ईयर, और अभी तक वहाँ पे इन लोगों ने वहाँ एजिटेशन किया और वहाँ की जो हेड थी उसने इनके कान पे थप्पड़ मारा और उनके कान में पर्दा फट गया, और उसकी जो बाद में FIR दर्ज करी गई उसमें SC ST एक्ट के प्रोविजन नहीं लगाए गए, और अभी तक भी उसकी लड़ाई वो अकेली लड़ रही है, क्योंकि बाकी जब इनको दूसरे बच्चों को इनके साथियों को पता चला कि जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करती तो उन्होंने इसका साथ देना छोड़ दिया, और इवन अपनी कैटेगरी के जो लोग वहाँ थे वो भी इनको पूछते तुमने हमारा भी भविष्य खराब कर दिया अकेली ने। तो ये जो अवस्था है, 40,000 केस में जो कह रहा हूँ वो भी बड़ी मुश्किल से वहाँ पे पुलिस वाले रजिस्टर नहीं करते, दुर्कारते हैं हमारे लोगों को,
और 40,000 के बाद जब इनकी कोर्ट तक जाते हैं और उसका जो परसेंटेज कन्विक्शन का है वो अभी भी 22-23% से ऊपर नहीं बढ़ा, जो कन्विक्शन होती है एंड में, और कन्विक्शन भी बहुत कम होती है उसमें। कन्विक्शन नंबर वन तो लो है, नंबर टू उसमें जो पनिशमेंट होती है बहुत ही कम कैटेगरी की होती है। तो इसका जब हम पढ़ लिख भी गए और हमारे ही केसेस को नहीं दर्ज होता, जो गांव में एक आदमी बैठा हो उसके साथ यदि अत्याचार होता, उसके साथ यदि एट्रोसिटी होती तो उसका क्या हाल होता, हम लोग जहां बैठ के इमेजिन कर सकते हैं। मेरे को एट्रोसिटी के बारे में काफ़ी स्टेटों में जाके भी पुलिस वालों के साथ, डीएम के साथ, उनको कह कह के जब हम जाते तब जाके उनके एफआईआर दर्ज होती, तब जाके उनको कंपनसेशन मिलती थी, नहीं तो कोई एक्शन ही नहीं होता। तो ये हालत अभी तक भी चल रही है। तो दशा तो अभी हमारी ऐसी है और इस दशा को सुधारने के लिए जो भी उपाय हम लोग कर रहे हैं, किस संस्था से कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इकट्ठे होने वाली जो बात हम कहते रहते हैं इकट्ठे हो जाओ इकट्ठे हो, को महाराज ने अभी अभी बहुत अच्छा है कि हमें जो शिक्षा दी है कि आप किसी भी प्लेटफार्म पे हो, कहीं भी आप बैठे हो, अपने पिता की उंगली मत छोड़िएगा। अपने आप को शेड्यूल कास्ट, अपने आप को चुमार, अपने आप को रविदासिया, जहाँ भी आप बैठे हो उसको उसको मत छोड़िए। हम दूसरे मंदिरों में जाते हैं, वहाँ जाके मत्था टेकते हैं, पैसा वहाँ जा ही जा रहा सारे का सारा, अपने मंदिरों में हम आगे खुश नहीं है, अपने मंदिरों में जाके खुश नहीं है। तो इस दशा को सुधारने के लिए हमें जो शिक्षित होने के बाद जो हम शिक्षा प्राप्त कर गए हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ना आनी चाहिए। यदि हमारे पास एक्ट है, हमारे पास प्रावधान है, हमारे पास कोई सहूलियत है, जब तक उसका नॉलेज नहीं होगा, जब तक उसके बारे में हम जानते नहीं होंगे, तो हम लड़ भी नहीं पाएंगे। सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ना, हमें दूसरों के लिए भी लड़ना पड़ेगा। जो समाज हमारा दूर बैठा है, दूर दरेडे में, गांव में है या दूर है, तो इतनी कोशिश हमें करनी चाहिए कि उनको किसी तरह अपने हक के लिए लड़ने के लिए खड़े करें। क्योंकि जब तक अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं, तो बिना लड़ाई के तो आज कुछ मिलता नहीं है। लड़ना मतलब ये नहीं है कि डंडे लेके लड़ना है, अपने दिमाग से लड़ना है, चाहे उसको आप लिख के दीजिए, तो जो भी उसका पीछा करिए, मुजाहरा करिए, जो भी करना आप करिए, लेकिन अपने हक को छोड़िए मत। क्यों, हक की लड़ाई लड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। यदि आप लड़ोगे नहीं, चुपचाप बैठे रहोगे, तो कोई आपको घर में देने नहीं आएगा। तो इस दिशा में हम लोगों को अपने हकों को, अपने अधिकारों को पहले तो समझने की जरूरत है, और समझने के बाद फिर उसको लेने की जरूरत है। तो इसके लिए लड़ाई जो है ये एक दिन की लड़ाई नहीं, लंबी लड़ाई है। पता नहीं अभी कितने साल और लगेंगे। हम लोग लड़ते लड़ते जहाँ तक पहुँचे हैं, आगे हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो मेरे को आज देखने में भी जहाँ इतनी नज़र नहीं आ रही, पता नहीं बच्चे आगे हमारे साथ जुड़ के राजी नहीं है या क्या है, ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा। क्योंकि दूसरे किसी भी समाज में आप देखोगे जो यंग जनरेशन है वो बहुत अच्छा उनका रोल रहता है। जहाँ यंग जनरेशन का, चाहे हम अपने मंदिरों में भी देखते हैं, वहाँ भी यंग जनरेशन का इतना रोल अभी नहीं आया है। तो उनको किसी न किसी साथ जोड़ने की ज़रूरत है। उनको ज़्यादा पीछे की बातें मत बताओ। हम बहुत बारी करते हैं, मैं मल साहब से 2-3 दिन पहले बात कर रहा था कि कई हमारे पुराने बुजुर्ग जब स्टेज पे खड़े होते तो उनको बताएंगे जी हमारे साथ बहुत वो होता था, दुर्व्यवहार होता था, हमारे को बैठने नहीं देते थे। लेकिन उन लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं है। अब वहाँ तक उनको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रेजेंट जो लॉ है, प्रेजेंट जो कानून है, उसको, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए उनको उत्साहित करना चाहिए, उसके बारे में उनको बताना चाहिए। चाहे वो रिजर्वेशन का इशू हो, चाहे वो एट्रोसिटी का इशू हो, चाहे जो हमें सहूलतें मिलती है, अब स्कॉलरशिप का इशू ले लीजिए, बहुत सारे स्टेजेस पे मैट्रिकुलेशन का स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिकुलेशन का स्कॉलरशिप है, इन बाहर जाके स्टडी करने का है। लेकिन बहुत सारे हमारे भाई ऐसे जिनको इन बारे में पता ही नहीं है। ये बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, लेकिन कितने लोग उसमें फ़ायदा लेते हैं, कुछ गिने चुने जिन जो बैठे हुए ऊपर उनको उसका फ़ायदा ले जाते हैं, बाकी किसी को पता ही नहीं है। अब स्कॉलरशिप वाली बात आई तो उसके बारे में बता दूं कि जो पोस्ट अपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है उसमें आपको वहाँ पर बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो पैसा मिलते मिलते बच्चे को इतनी टाइम लग जाता है कि बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने नहीं देते, वहाँ कॉलेज से निकाल देते हैं।
तो वो प्रोसेस में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आ रही है, वहाँ पे कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो उसके बारे में भी हम लोगों को जानना है। जब तक हम किसी स्कीम को, किसी ऐसे फैसिलिटी को जानेंगे नहीं, तब तक उसको हम फॉलोअप नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने बच्चों को इस लेवल की जो शिक्षा है वो देने की ज़रूरत है। यदि वो उनको पुरानी बातें बता के, अब कोई फ़ायदा नहीं है, वो हमने उसको झेल लिया, हमने अपने लेवल पे रख लिया, उसको ज़्यादा नहीं, अभी उनको सजग करने की ज़रूरत है। उनको शिक्षा इस बात की देने की है कि अपने हक की लड़ाई लड़े। तो मेरा तो यही एक सुझाव रहेगा कि आप आगे जो जनरेशन, उनको अपने, पहले तो हमें अपने हक के लिए लड़ने की ज़रूरत है, और आगे बच्चों को भी जो सिखाने की ज़रूरत है वो भी अपने हक के लिए लड़ें। अपने आप को गवर्नमेंट में देने वाला नहीं है। हमारे पॉलिटिशियन भी यदि देखें तो 15% तो MP MLA जो सब बैठे हुए हैं सारे के सारे, कितने लोग आप लोगों के बीच में आगे खड़े होते हैं। मेरे ख्याल हमारे मंदिरों में प्रोग्राम होते हैं, हर बार हम लोग उनको बुलाते भी हैं, लेकिन कोई आगे राजी नहीं है। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं कि यदि वो बन जाते हैं, हमारे SC ST का रिजर्वेशन लेके बनते हैं, लेकिन वो बाद में हमारे समाज को बिल्कुल भूल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में इस बात की ये कमी है कि वो फायदा तो ले रहे हैं रिजर्वेशन का, लेकिन वो आगे जाके फिर समाज को पूछ नहीं रहे। और नौकरियों की रिजर्वेशन देख लीजिएगा, अब तो रिजर्वेशन का एक माहौल ही बन गया है। रिजर्वेशन जो पहले दी थी वो इसलिए दी थी कि सामाजिक जो व्यवस्था थी हमारी उसको ध्यान में रख के दी गई थी। इकोनॉमिक क्राइटेरिया कभी नहीं रहा कॉन्स्टिट्यूशन में। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रोविजन बनवाया था, वो हमारी सामाजिक दशा को, हमारी बैकवर्डनेस को देख के दिया था। लेकिन अब जो है उसको इतना डिल्यूट कर दिया है, उसको फाइनेंस के साथ या भी उसके पावर, अपने गरीबी के साथ जोड़ दिया, उनके फाइनेंशियल स्टेटस के साथ जोड़ दिया। तो ये चीज़ें सारी के सारी पहले से डिल्यूट हो गई है। और मेरे को लगता है कि अभी आने वाले दिनों में ये होगा कि हर एक कैटेगरी को जितनी जितनी परसेंटेज है सबको बांट देंगे, भाई इतने इतने आप ले लीजिए। तो रिजर्वेशन का जो मुद्दा था वो तो बिल्कुल ही डिल्यूट होता जा रहा है। और जो पहले है भी रिजर्वेशन वो कितने परसेंट मिलती है उसके बारे में भी बहुत सारी संस्थाएं हमारी लड़ती रहती हैं, लेकिन और इसमें लड़ने की ज़रूरत है, कितने परसेंटेज हमें मिल रहा है, कितने परसेंटेज नहीं मिल रहा है। बहुत सारा बैकलॉग पड़ा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। यदि आप बैकलॉग उठा के देखें तो बहुत सारे हमारे कोई टेक्निकल पोस्टों में तो कहीं बच्चे हमारे एडजस्ट होते ही नहीं है, कह देते हैं अवेलेबल ही नहीं है। तो इन चीज़ों को सबको देखने की ज़रूरत है। हम लोग जहाँ पे सारे इंटेलेक्चुअल जो भी अपने समाज के साथ जुड़े हुए हैं, मेरी यही प्रार्थना है कि हम लोग जितना अपने समाज, हम पूरे देश को तो नहीं बदल सकते, अपने आसपास को, अपने समाज को जितना हम बदल सके उतने बदलने की ज़रूरत है। तो इन शब्दों के साथ मैं संस्था का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने आज का ये आयोजन करके आप सब लोगों के साथ हमें बैठ के आपके विचार सुनने का मौका दिया है। तो ऐसे प्रोग्राम और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हों, लेकिन थोड़ा सा आज के जो गिनती है वो देख के थोड़ा सा कष्ट होता है कि दिल्ली में जैसे कह रहे कि दिल्ली की ये हालत है तो बाहर जाए क्या करोगे, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोगों को खेद है कि दिल्ली में, हम भी दिल्ली के वासी हैं, हमें इस बात का अफसोस है कि हम लोग सबको यहाँ पे नहीं इकट्ठे कर पाए। यानी और जो भी ये प्रयास है बहुत अच्छा है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ जे महेश साहब को और मल साहब को। और इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं यही एक बार प्रार्थना करूँ कि हम लोग अपने समाज के आसपास जितना भी कर सके उतना करने की हमें जरूरत है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। We'll be right back.